खबर कानपुर से है। किसानों की जमीन का नहीं मिल रहा मुआवजा, निर्माण कराया ठप। मिली जानकारी के अनुसार पावर प्लांट में किसानों ने उस वक्त हंगामा करना शुरू कर दिया जब निर्माणाधीन प्लांट पावर भूमि अधिग्रहण अधिकारी सुमित पांडे के द्वारा जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर लेकर किसानों की जमीन खुदवाने पहुंचे। तभी किसानों ने विरोध कर काम ठप करवा दिया। किसानों का आरोप है कि नवेली पावर प्लांट के अधिकारियों व राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। बीते दिनों नवेली पावर प्लांट के अधिकारी व राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया था कि अधिग्रहण जमीन घाटा संख्या 78 व 55 के किसानों को उस जमीन के एवज में ग्राम समाज भूमि बगरिया में दी जाएगी, जिसका अभी तक किसानों को उस जमीन का स्वामित्व नहीं दिया गया और न ही किसानों की जमीन का निर्धारित धनराशि अभी तक दी गई है। किसानों ने आला अधिकारियों से लिखित शिकायत करते हुए बताया कि उनकी जमीन के एवज में दी गई जमीन का स्वामित्व व निर्धारित धनराशि नहीं मिली, तब तक वह लोग अपनी जमीन का कार्य नहीं करने देंगे। नहीं, हम लगा लें तो मिल जाएगी। इतना मतलब कुछ दर्द समझो किसी का कि नहीं, इनके अंदर क्या है या क्या नहीं है। नहीं, वो तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा ना करो मतलब एकदम से। इसको हमें यह आश्वासन दिया गया था कि आप घर यहाँ से हटा लो तो ये घरों के बदले घर दिए जाएंगे आपको, तो जगह तो दे दिया। उसका आज तक हमको जो है आवंटन पट्टा नहीं दिया गया और PWD से मूल्यांकन करवाया गया, वो पैसा नहीं दिया गया, ना पेड़ों का पैसा दिया गया और मतलब किसी चीज़ का पैसा एक भी मिला नहीं हमको। वर्तमान में आप लोग कहाँ निवास वहीं पे हैं, जहाँ पे जगह दी गई वहीं बना के वहीं रह रहे हैं। जानवर सब हैं, भेड़ बकरी सब वहीं पे रखे हैं हम लोग। आप लोगों की मांग क्या है, किस बात की? मांग हमारी ये है कि हमारा ज़मीन का जो मूल्यांकन बनता है वो पैसा दे दिया जाए और उस ज़मीन का जहाँ दी गई है हमको उसका पट्टा दे दिया जाए। अच्छा। और इसका पैसा दे दिया जाए ज़मीन का। कीमत की लगभग आपकी ज़मीन की? ये इसको 16,40,000 बताते हैं बीघा, लेकिन 2 बीघा थी हमारी, 2 बीघा एक दो बिछुआ है इससे कुछ। और क्या स्थिति है जमीन की? जमीन की तो ये खोदे डाले रहे हैं, 1 बीघा तालाब में चला गया, वो तालाब बना लिया, और 1 बीघा ये है तो ये भी जबरदस्ती खोद रहे हैं। प्रशासन आके आए दिन खड़ा हो जाता है। अब वो जमीन जब हमको दी गई थी तो SDM था, कानेगुड़ था, लेखपाल था। लेखपाल तो हमें ऐसा अंधेले में डाल दिया कि मतलब मरने कगार कर दिया हमको। मतलब यही कहता रहा कि यार घर बना लो, बाउंड्री बना लो, छत डाल लो, इसको लेप लीप पोत लो, गेट लगवा लो, दरवाज़ा लगवा लो, चूल्हा रख लो, इसके बाद हम पट्टा कर देंगे तत्काल। यही करते करते हमने वहाँ अच्छा खासा पैसा लगा दिया। अगर कोई प्रमाण नहीं है तो कल का अगर गिर जाएगा तो ये शिवम लेखपाल और कानेगुर। अभी जो जमीन की खुदाई की जा रही है तो क्या अधिकारियों का आश्वासन मिला आप लोगों को? नहीं, आप तो भगा देते हैं कि जाइए, तुम्हारा कुछ नहीं है। अब वो घर के लिए भी लेखपाल कहता था छाड़ दो हमारी ज़मीन, और तहसीलदार कहता है वो सब अवैध बना है, कहीं कुछ नहीं तुम्हारा। अगर जो आपको ज़मीन से बेघर कर दिया जाएगा तो क्या आप करेंगे? रोड पे आ जाएंगे। तब तो फिर हम मरने कगार में पहुंच गए। आत्महत्या करना पड़ेगा, बस यही है कि मर जाएं खा के जहर। अधिकारियों से अभी उच्च अधिकारियों से बात हुई आपकी किसी प्रकार की? नहीं, SDM साहब से बात हुई थी। क्या सर? तो वो तो ये कह रहे थे कि वो ये जमीन, वो ज़मीन कीमती है और ये ज़मीन कम की है, तो इसी के वजह में पट्टा बना दिए जाए वहाँ आपको है, और 200 की जगह 150 बना दिए जाए। अब बताइए यहाँ से ट्रैक्टर और भेड़ बकरी भैंस ये 200 में वहाँ रह जाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ये मामला ये है कि इसमें मकान बने थे इस रकबे में हमारे, इसने मकान वहाँ जगह दे दी हम लोगों को, SDM और नवेली दोनों मिल के हम लोगों को जगह दिया 2-2 बिस्वे, उसमें हम लोग को मकान बना लिया। इन्होंने कहा था कि 4 महीने में आपको पट्टे दे देंगे आवासीय प्रमाण पत्र। किसके द्वारा आश्वासन दिया गया? SDM तहसीलदार के अधिकारी सब अन्नवेली के द्वारा। हाँ, फिर इसके बाद में इन्होंने पट्टे नहीं दिया, 2 साल हो गया, ना घरों का मूल्यांकन जो करवाया था वो भी नहीं दिया, ना ज़मीन के दिया। ऊपर से बोलते हैं कि आप जबरन ज़मीन खोद रहे हैं।
कितने दिनों से ऐसा मामला चल रहा है? ये मामला चल रहा है करीबन 2 साल से। अच्छा। जी आज ये खुदाई हो रही तो क्या अधिकारियों का निवेदन है कि क्या अधिकारियों का आश्वासन ये रहे हम लोग इसमें मुकदमे लगा दिए तहसीलदार हमारी जमीन में, हमने स्टे लिया स्टे खारिज करवा दिया इन्होंने, तो जबरदस्ती मतलब प्रशासन लेके हमारी जमीन खोद रहे हैं। कितनी जमीन होगी क्या? हमारी 1 बीघा 3 बिसुआ है। क्या अधिकारियों को आपने जानकारी दी इस मामले में? खूब कैसा अधिकारियों को क्या जमीन खुदाई की आपने जानकारी दी शिकायत? नहीं, शिकायत हमने DM को दिया, सबको दिया कि हमारी जमीन जबरदस्ती खोद रहे हैं, कोई सुनता नहीं, अधिकारी कोई नहीं सुनता हम लोगों को। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि आप SDM कह रहा है, पहले वाले कहते हैं पट्टे बना के जाएंगे, आपको घरों को पैसा देंगे, जमीन का पैसा मिलेगा। ये जो तहसीलदार SDM है, तहसीलदार हमारी जमीन खारिज कर दिया, खारिज मतलब रेस्टोरेंट लगा दिया, वो आदेश निरस्त कर दिया। इन्होंने कहते हैं कि अब हमने मुकदमे लगा दिया, हमने लखनऊ गए सुप्रीम कोर्ट में, स्टे लाया, स्टे को खारिज करवा दिया। भाई जब मुकदमा चल रहा था हमारी जमीन में क्यों खुदाई कर रहे हो भाई, हमारा फैसला कर दो। कौन से कोर्ट है मुकदमा? हमारा सुप्रीम कोर्ट लखनऊ। कानपुर से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।